गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्वीन शिवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं पंजाब, पंजाब अमृतसर। और देखिए, अब हम जाने के लिए पूरे रेडी है। हमारे साथ केशव जी भी रेडी है और हम चल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे आपसे। ग्रेटर नोएडा से पहुंच गए हम लोग कश्मीरी गेट, जहाँ पर वेट कर रही थी बस हमारा। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने बस में बैठ गए। हमने वॉल्वो बस में अपनी 2 सीट बुक की हुई थी, जिससे हमें जाना था अमृतसर। हेलो गाइस, देखिए 12 बज रहे हैं और हम रुके हैं एक ढाबे पे, कुरुक्षेत्र। हम पी रहे हैं अपनी गर्मा गर्म चाय, देखिए कुल्हड़ वाली चाय। और रात भर ट्रैवल के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए अमृतसर। और अमृतसर में हम रुके रूम पर। तो देखिए, ये हम दिखा रही हैं अपना रूम, और मैं अपने केशव जी को रेडी कर रही थी। और फिर हम लोग गए घूमने। ये देखिए, हम लोग आ गए थे घूमने। ये था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में आ गए थे हम लोग। तो देखिए, आप लोग भी विजिट करिए, आपको भी कराते हैं अपने साथ में। गली संतरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। कोई चेतावनी समाधान करने की घोषणा ਉੱਚਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।
परिपाती ने अजीब अवस्था में आई उस नाई को बचाया। With our heads held high, without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity, and sanctity. Standing on the soil of Jalalabad, a vow that will always infuse nationalism for future generations. जीवन का राज्य सारे वर्तमान प्रतिपोड़ी के लिए प्रदान करता है।
उनका बलिदान उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सदा याद रखो सत्कार करो अति उत्सर्ग करो जय सत्कार यहाँ पर जल रही थी अमर ज्योति। यहाँ पर आए हम, जलियांवाला बाग में ये हैं गोलियों के निशान, जहाँ पर गोली लगी थी उसके निशान है ये। जलियांवाला बाग देखने के बाद हम लोग
आ गए थे मंदिर में। ये था माता लोंगावाली देवी जी, इस मंदिर में आ गए थे। ये मंदिर आपको रास्ते में ही पड़ता है, मिलेगा आपको रास्ते में ही। तो हमने सोचा यहाँ पर माथा टेक कर फिर आगे चला जाए। तो आइए चलते हैं अंदर। हम लोगों ने बैल बजाई पहले। बहुत ही सुंदर मंदिर था। ये देखिए कितने सुंदर शिवलिंग भगवान जी हैं, पूरी फैमिली के साथ शिव जी महाराज जी, पार्वती माता, नंदी जी, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर विराजमान थे। हम लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्षमा याचना की, अगर हमसे कुछ गलती जाए तो माफ़ कर देना। मैं दिखा रही थी कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। इस मंदिर में सभी देवी देवता सभी भगवान जी उपस्थित थे, विराजमान थे। ये देखिए हमने सभी भगवान जी को प्रणाम किया। और अब हो गई थी शाम। शाम को देखिए यहाँ की मालो है, और यही रास्ता जाता है आगे जाके गोल्डन टेम्पल। बहुत सुंदर सुंदर मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ की मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। जन नानक पिन प्रदाना, हर ते आवा है, हर ते आवा है खुद जी, से जन बुद्ध मन सुखवासी, हर ते आवा जी कुल कुंति जन की खासी। बहुत भीड़ हो रही थी, मुझे लगता है सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसीलिए भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ पर पूरे साल इतनी भीड़ लगी रहती है, हमने सबसे सुना था। तो देखिए हम लोग आगे जाने ही लग रहे हैं जहाँ पर है गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पर बीच में था शनि महाराज जी, शनि देव जी का मंदिर। ये देखिए ये लोगों ने यहाँ पर भी हाथ जोड़े। फाइनली आज हम गोल्डन टेम्पल आ गए। दीवाने बहुत एक्साइटेड है गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए। गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए हो रहे थे रेडी। Thank you.
हम लोगों ने पहले यहाँ पर आकर अपने स्लीपर शूज वगैरह डिपॉजिट कराए और टोकन लिया। और देखिए फाइनली हम लोग अंदर पहुँच गए थे जहाँ से इतना सुंदर गोल्डन टेंपल दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये नज़ारा हमारे लिए और हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अंदर, अच्छे से विजिट कराते हैं आप लोगों को और अपने आप भी देखते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, नहीं मैं फर्स्ट टाइम आई थी, ये पहले भी आ चुके थे, मेरे हस्बैंड पहले भी आ गए थे गोल्डन टेम्पल, अदरवाइज मैं फर्स्ट टाइम आई थी। हे नानक सत्य साहेब क्या नाही कर तेरा नाम साधु नानक देव। हम लोगों ने प्रणाम किया और फिर हम चल दिए अपनी दर्शन वाली लाइन में लगने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर जहाँ पर हम लाइन में लगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत भीड़ भी थी और बहुत लंबी लाइन थी जिसे हमें लगना था। और देखिए इधर का सुंदर सरोवर, बहुत ही सुंदर सरोवर था। जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ इतनी गर्मी हो रही थी, फिर अचानक से इतनी तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश भी आ गई और सब लोग हम भीगते चले गए इधर भी इधर भी। बारिश की बौछार इतनी तेज थी हवा के साथ में कि हम सबको भिगाती चली गई, हम लोग सब भीग जा रहे थे। ये देखिए अभी भी दर्शन होने के लिए हम लोगों को बहुत लंबी लाइन पार करनी थी। हम लोग जिसका वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आई और हम अंदर एंट्री करें, पर हम लोग भीग गए थे। फाइनली हम अंदर आ गए थे, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था पर फोटो मैंने आपके लिए पूरी स्क्रीन पर लगा अंदर देखे दर्शन कर। इधर को भी फेस, हाँ जी लिया थोड़ा सा। हम लोगों ने बाहर आकर सरोवर से अपने हाथ पैर और फेस को अच्छे से वॉश किया और प्रणाम किया। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, जितना हमें पता था हमने वो किया। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा था रात में तो और ज़्यादा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।